Guys, hope so you are all fine. Today we are going to discuss about GCS. GCS stands for Glasgow Coma Scale. GCS हम किसी भी पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए यूज करते हैं. GCS मेनली हम उन पेशेंट्स में यूज करते हैं जिन्हें हेड इंजरीज हुई हो, मतलब सर पे चोट लगी हो, जैसे कोई ट्रॉमा का पेशेंट हो, उसमें उसका कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए हम GCS को यूज करते हैं. GCS में हम तीन तरह का रिस्पॉन्स चेक करते हैं और उन रिस्पॉन्स की बेस पे पेशेंट को ग्रेड्स या पॉइंट्स देते हैं, जिसकी कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि इंजरी के बाद पेशेंट होश में है या नहीं. अगर होश में है या कॉन्शियस है तो उसका कॉन्शियसनेस लेवल क्या है. नंबर वन पे हम देखते हैं आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, नंबर टू है वर्बल रिस्पॉन्स, नंबर थ्री है मोटर रिस्पॉन्स. अब हम देखते हैं नंबर वन आई ओपनिंग रिस्पॉन्स. आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में हम देखेंगे कि पेशेंट अपनी आईज स्पॉन्टेनियसली ओपन कर रहा है या नहीं, मतलब खुद ब खुद अपनी आंखें खोल रहा है, तो उसे हम 4 पॉइंट्स देंगे. अगर पेशेंट अपनी आईज खुद ओपन नहीं कर पा रहा तो हम उसका रिस्पॉन्स टू स्पीच चेक करेंगे, मतलब उसे बुलाएंगे लाइक हे ओपन योर आईज. अगर पेशेंट ओपन कर ले आईज तो उसे हम 3 पॉइंट्स देंगे. अगर पेशेंट स्पीच को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मतलब बुलाने पे भी आईज ओपन नहीं कर रहा, तो हम उसका रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलस चेक करेंगे, मतलब उसे कोई चीज चुभा के देखेंगे, जैसे कि फिंगर टिप्स पे या कहीं भी बॉडी पे पिन प्रिक करके देखेंगे कि किसी चीज के चुभने से या पेनफुल स्टिमुलस से पेशेंट अपनी आईज ओपन करता है या नहीं. अगर पेशेंट अपनी आईज ओपन कर ले तो उसे हम 2 पॉइंट्स देंगे. अगर पेशेंट इन तीनों चीजों का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब अगर पेशेंट अपनी आईज खुद भी नहीं खोल रहा, हमारे बुलाने पर भी नहीं खोल रहा और इवन पेनफुल स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसे 1 पॉइंट देंगे. और इन सब पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे क्योंकि लास्ट में इन सब पॉइंट्स को ऐड करके हमने फाइनल स्कोर देखना है और पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करना है. नंबर टू पे हम देखेंगे पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स. वर्बल रिस्पॉन्स में हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लाइक हम पूछेंगे कि आपका नेम क्या है, व्हाट्स योर नेम, इस टाइम आप कहाँ हैं, आज डेट क्या है, आप क्या काम करते हैं. वर्बल रिस्पॉन्स में 5 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट इज ओरिएंटेड, सेकेंड इज कन्फ्यूज्ड कन्वर्सेशन, देन इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड्स एंड नन. सबसे पहले होता है ओरिएंटेड. इसमें पेशेंट से हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पेशेंट का नाम पूछेंगे, उसकी जॉब का पूछेंगे, उससे पूछेंगे कि आप किस जगह हैं इस टाइम. अगर तो पेशेंट हमारे क्वेश्चंस को सही से आंसर कर रहा है तो उसे हम 5 पॉइंट्स देंगे. स्टेज है कन्फ्यूज्ड कन्वर्सेशन, मतलब हमने जो क्वेश्चंस किए पेशेंट ने वो सुने तो हैं बट वो आंसर नहीं कर पा रहा बिकॉज वो कंफ्यूज्ड है. ट्रॉमा के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आए हैं बट उसे नहीं पता कि वो किस जगह पे है. वो कह रहा है मे बी मैं किसी होटल में हूँ, शायद मैं किसी रोड पे हूँ. अगर पेशेंट इस तरह कंफ्यूज हो तो उसे हम 4 पॉइंट्स देंगे. नेक्स्ट स्टेज है इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स. इसमें होता यह है कि हम पेशेंट से पूछते कुछ और हैं बट वो बताता कुछ और है. लाइक हम पूछ रहे हैं कि आपका नेम क्या है और वो आंसर कर रहा है कि मुझे पानी नहीं पीना. इस स्टेज पे हम पेशेंट को 3 पॉइंट्स देंगे. नेक्स्ट स्टेज है इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड्स. इस स्टेज में हम पेशेंट से क्वेश्चंस करते हैं बट वो कुछ बोल नहीं पाता, हमें आंसर नहीं कर पाता, उसके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकलते बट कुछ कम्प्रिहेंसिबल साउंड्स निकलते हैं लाइक हाँ. तो इस स्टेज पे हम पेशेंट को 2 पॉइंट्स डिनोट करते हैं. अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ना ही उसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकल रहे हैं और ना ही कोई साउंड निकल रहा है, तो उसे हम 1 पॉइंट देंगे. नेक्स्ट रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स. इसमें 6 स्टेजेस आती हैं और इसमें हम पेशेंट को कमांड करते हैं और पेशेंट को उस कमांड को फॉलो करना पड़ता है. लाइक हम पेशेंट से कहते हैं कि अपना हाथ उठाओ, उसे कमांड देते हैं कि अपना पाँव हिलाओ. अगर तो पेशेंट हमारी कमांड को ओबे कर ले, जैसे कि हम उसे कहते हैं कि हाथ उठाओ तो वो फौरन अपना हाथ उठा ले, तो उसे हम 6 पॉइंट्स देते हैं. नेक्स्ट आता है इसमें लोकलाइजेस. लोकलाइजेस टू पेनफुल स्टिमुलस, मतलब अगर हमें उसके हैंड पे पिंच किया है तो उसने बताया है कि उसके पेन हैंड पे किस जगह पे हुई है, तो उसे हम 5 पॉइंट्स देंगे क्योंकि उसे पता होगा कि उसके पेन कहाँ पे हुई है. नेक्स्ट है विड्रॉल फ्रॉम पेन, मतलब जब हम पेशेंट के हैंड पे या एयर लोब पे पिंच करेंगे तो वो बोल के नहीं बता पाएगा कि पेन कहाँ हुई है, जैसा कि हमने लास्ट स्टेज में देखा है कि वो बोल के बताता है कि उसके पेन हैंड पे हुई है. इस स्टेज में वो बोल के नहीं बता पाएगा कि पेन कहाँ हुई है बट वो हमारे हैंड को या स्टिमुलस को रिजिस्ट करेगा,
हमारा हैंड अपने हैंड से दूर करेगा। इस स्टेज पे हम पेशेंट को 4 पॉइंट्स डिनोट करेंगे। नेक्स्ट स्टेज है फ्लेक्शन। एब्नॉर्मल फ्लेक्शन में ये होता है कि जब हम पेशेंट को पिंच करते हैं या चेस्ट पे स्टर्नम पे प्रेस करते हैं तो पेशेंट फ्लेक्शन करता है, मतलब अपनी बॉडी को समेट लेता है, इकट्ठा कर लेता है। इस स्टेज पे हम पेशेंट को 3 पॉइंट्स देंगे। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। इस स्टेज में जब हम स्टिमुलस अप्लाई करेंगे तो पेशेंट अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर लेगा, अकड़ा लेगा। इस स्टेज पे हम पेशेंट को 2 पॉइंट्स डिनोट करेंगे। लास्ट स्टेज है कि अगर पेशेंट किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसे हम 1 पॉइंट देंगे। अब हम बात करते हैं GCS और ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग की। हमने पेशेंट के 3 तरह के रिस्पॉन्सेज देखे और उनकी बेस पे पॉइंट्स डिनोट किए। अब उन तीनों रिस्पॉन्सेज के पॉइंट्स को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को हमने आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में 2 पॉइंट्स दिए, वर्बल रिस्पॉन्स में हमने उसे 4 पॉइंट्स दिए और मोटर रिस्पॉन्स में 6 पॉइंट्स दिए। तो हम इन सब पॉइंट्स को ऐड कर लेंगे, लाइक E2 प्लस V4 प्लस M6। E4 आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, V4 वर्बल रिस्पॉन्स एंड M4 मोटर रिस्पॉन्स। तो इस पेशेंट का टोटल स्कोर 12 हो जाएगा। GCS का मैक्सिमम स्कोर 15 होता है, जिसका मतलब है कि पेशेंट फुली कॉन्शियस है। अगर GCS का स्कोर लेस देन 8 होगा तो इसका मतलब है कि पेशेंट डीप कोमा में है एंड इट्स अ सीरियस कंडीशन। और मिनिमम स्कोर GCS का 3 होता है, जिसका मतलब है कि पेशेंट इज डेड। होप सो आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।